आला पद्धति ग्रंथ में समझा रहे हैं अनादि निरंतर में सुपर्या प्रतिक्षण। अब यह विस्तार से समझिए, रायवार्तिक में आपने सिद्धांतों को पढ़ लिया, वहां लिखा है पर प्रत्यय से पर पदार्थ से में यदि प्रमाण चलता है पर का तो संकर दोष आ जाएगा, और निज में ही प्रमाण नहीं चलता तो नित्यत्व आ जाएगा, और नित्यत्व आएगा तो अर्थ क्रिया का अर्थ का अभाव हो जाएगा, अर्थ क्रिया का अर्थ का अभाव होगा तो पदार्थ का ही अभाव हो जाएगा, अवस्तु हो जाएगा, वस्तु का वस्तुत्व ही नहीं बचेगा, और वस्तु का वस्तुत्व तो होना बहुत अनिवार्य है, और वस्तु का वस्तुत्व किस पर टिका हुआ है, सुपर्या प्रतिक्षणम। इधर आते हैं मिश्र अवस्था में तृतीय पर्याय का जन्म अवश्य होता है, फिर भी परस्पर के प्रणमन का अभाव नहीं होता। ए बालक, मिश्र अवस्था में तृतीय पर्याय का जन्म हो जाता है, लेकिन फिर भी सब प्रणाम प्रणामी भाव का अभाव नहीं होता। कुछ बोलोगे क्या? तो समझ में आ गया, सुनिए। मिश्र अवस्था में तृतीय पर्याय का जन्म होता है, जैसे कि आप बैठे हो, पुद्गल की और जीव की मिश्र अवस्था है, तो पुद्गल अपने प्रणम में था, अभी रुको, जीव अपने प्रणम में था, लेकिन दोनों को मिलने से मनुष्य कहला रहा है। अब मनुष्य औदयिक भाव, 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 जब मनुष्य के रूप में देखते हैं तो सारे 148 कर्म के साथ, अनेक प्रकार के भावों के साथ, विभाव स्वभाव आदि रूप प्रणमन करते हुए दिखाई देता है। पांच इंद्री का भुक्ता बना बैठा है, विषय के साथ में लिप्त बैठा है, ये मिश्र पर्याय की धारा, तृतीय पर्याय की धारा। अब सुनो सुनो, आप समझ में जो बोल रहे हो उससे पहले जोर से बोलो, तृतीय पर्याय की अवस्था। आज समझ मित्र, जीव की स्वतंत्र पर्याय ये प्रथम पर्याय, पुद्गल की स्वतंत्र पर्याय प्रथम पर्याय, द्वितीय पर्याय और विदु, दोनों को मिलकर के तो एक अवस्था बनी है, वो मिश्र अवस्था है, उसको मैं तीसरी पर्याय बोल रहा हूं, ठीक है। अब अनेक पर्यायों को मिलकर के एक लड्डू बन जाता है, तो एक पर्याय बन जाती है। इसी प्रकार से जीव पुद्गल को मिलकर के एक पर्याय बन गई, ठीक है, इनको संतुष्ट कर रहा हूं, तो अब इनको संतुष्ट कर रहा हूं जिससे कि बीच में ना बोले पुनः चलते। लड्डू जो बना है एक पर्याय है, अरे कोई भी लड्डू बनाओ आप, तो बूंदी का मत बनाओ, अभी बूंदी के लड्डू का मौसम नहीं चल रहा है, आप तो बाजरे का बनाइए, तिली का बनाइए, चलिए आप। और यदि आप तिली का बाजरे का नहीं बनाना चाहते हो तो फिर आप एक काम करो, शुद्ध लड्डू बनाओ गुड़ का। अब गुड़ के लड्डू में क्या ना, गुड़ मात्र नहीं रहता, सारे मेवा रहते हैं, ठीक है ना। अब गुड़ के लड्डू वे खाएं जो खांसी से बचना चाहें, चलो आइए, उसमें रहती है गरी, वो एक दिन दो दिन रखा रहेगा ना तो पानी छोड़ देती है अंदर ही अंदर, समझ में आ रहा है ना, तेलीपना छोड़ देती है, उससे खांसी होती है। अभी अपनों औषधि में बात करेंगे, कहाँ पहुँच गए, तृतीय पर्याय। अब मुझे ये देखना है, बिल्कुल गंभीरता नहीं बरत रहे यार, मिश्र पर्याय। अब मिश्र पर्याय के होने पर भी सगल स्वभाव न बिजंती,
उनमें व्यंजन पर्याय अर्ध पर्याय समझो मित्र, आप मनुष्य में अर्थ व्यंजन पर्याय जीव द्रव की विभाव द्रव व्यंजन पर्याय है, मनुष्य पर्याय क्या है और रागादिक कामादिक जो भाव है जीव द्रव की विभाव अर्थ पर्याय है, ठीक है ठीक है। अब तो बोलनी पड़ेगी, शास्त्र में तो लिखा है। अब इसके बाद जो मैं कहना चाह रहा हूं उसे सुनिए। एत हो गया विभाग व्याख्यान, ये हो गया संयोग भाव व्याख्यान, पर नहीं है स्वरूप व्याख्यान। स्वरूप व्याख्यान में आप जाएंगे तो इस मनुष्य पर्याय में ही हम देखेंगे क्या जो शरीर है द्रव्य कर्म और नौकर्म है इनका परमन स्वतंत्र है, उसकी व्यंजन पर्याय भी स्वतंत्र है, अर्थ पर्याय भी स्वतंत्र है। अब उस निमित निमित संबंध को नष्ट करने के लिए आपके नहीं मानने से कुछ नहीं होगा बेटा, लेकिन मानना पड़ेगा। उसकी व्यंजन पर्याय स्वतंत्र है, अर्थ पर्याय भी स्वतंत्र है। दो मिनट रुकोगे क्या? इधर जीव द्रव्य है, तो जीव द्रव्य उसकी व्यंजन पर्याय भी स्वतंत्र है, अर्थ पर्याय भी स्वतंत्र है। अब प्रश्न है ना, व्यंजन पर्याय स्वतंत्र, अर्थ पर्याय स्वतंत्र है, व्यंजन शब्द का प्रयोग किया हमने, विभाव शब्द का प्रयोग नहीं किया, बहुत संभल के बोलता हूं, स्वभाव शब्द का भी प्रयोग नहीं किया, समझ रहे कि नहीं आप? आपको समझ में आ रहा ना? यहां तक आ गया। अब यहां के आगे सुनिए आप, अब आप यहीं से प्रवेश करेंगे समय सार में, यहीं से करेंगे प्रवेश समय सार में, तो क्या देखेंगे? सगम स्वभाव बिजहंती, तो यह चल रहा है, सो पर्याय प्रतिक्षणम, सो पर्याय प्रतिक्षणम, अपनी पर्याय में प्रतिक्षण, तो अपनी पर्याय को व्यवहार और निश्चय में लेके बात कर रहे हैं। व्यवहार से मनुष्य पर्याय अपनी ही है, तो उसमें प्रणवन चल रहा है प्रतिक्षणम, विभाव द्रव व्यंजन पर्याय प्रतिक्षणम, स्वभाव व्यंजन पर्याय प्रतिक्षणम, विभाव अर्थ पर्याय प्रतिक्षणम, स्वभाव अर्थ पर्याय प्रतिक्षणम, गुण व्यंजन पर्याय प्रतिक्षणम, अर्थ व्यंजन द्रव व्यंजन पर्याय प्रतिक्षणम, स्वकीय। जब हम अपना पैन कह सकते हैं ने सापेक्ष, ये पैन हमारा है, तो अब ये पैन हमारा विजातीय उपजरित असदभूत व्यवहार नय से पैन हमारा है, किसने से? विजातीय उपचरित असदभूत व्यवहार नय से पैन हमारा है। अब देखो विजाति बना है, जीव नहीं है, उपचरित है, उपचरित है वो असदभूत है, मेरी आत्मा भी नहीं है, मेरी कोई सत्ता नहीं है, फिर भी मैं प्रयोगता हूँ, इसलिए उपचार से मेरा है, वास्तव में पैन मेरा स्वरूप नहीं है। इसी प्रकार देह, ये देह क्या ये विजाति नहीं है? ऐसा सुसागर जी, ये शरीर विजाति नहीं है, विजाति है, पर जीव संबंध है तो संसार संबंध से ही था विजाति उपचरित सद्भूत व्यवहार में है। श्याप विजाति है, अनुपचरित है, संसार संबंध सहित है, अनुपचरित क्यों बोल दिया? क्योंकि संसार संबंध है। स्यात उपचरित भी है, सूत्र नहीं लिखा भरे आप कहो, लेकिन उपचरित क्यों बोल रहा हूं मैं? इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आत्मा का स्वरूप नहीं है, ठीक है, आत्मा का स्वरूप नहीं है, और मेरा द्रव्य नहीं है, ना हम शरीर ना हम वाणी, तो अध्यात्म में प्रवेश करेंगे,
अध्यात्म में जाएंगे तो ये हमारा है ही नहीं है, ये भी उपचार से ही मैं अपना मानता हूं इसे, व्यवहार नहीं आगम नहीं में अनुपचरित है, अध्यात्म नहीं में उपचरित है। अब तीसरी पर्याय पर ही तो विचार पूरा चल रहा है। ओ पीत हल्दी श्वेत चूना दोनों की पर्याय भिन्न है, अलग है कि नहीं, दोनों को मिश्रण कर दो तीसरी पर्याय का जन्म हो गया हुआ। लेकिन होने पर भी सगम समण विजंती, हल्दी के परमाणु फिर भी हल्दी के परमाणु स्वतंत्र हैं और चूने के परमाणु स्वतंत्र हैं, और जब भेद करोगे आप भेद प्रक्रिया वो सीख लीजिए तो वैसे ही पुनः निकल आएंगे। आनंद आ गया, आज विज्ञान कितना आगे बढ़ चुका है। ये बोले आप ये रायपुर ज्ञानी को समझा दो कि अपने देवी को समझा के रखे कि जगत के लोग आते हैं, पायल साफ करा लो, चूड़ियाँ साफ करा लो, ठीक है, गली में घूमते मिलते हैं, एक एक बाटल रखते हो उसे अपने पास भी तेज आपकी, ठीक है, साफ करा लो, अच्छी साफ होती है, जितने देर तक डाले रहेंगे गुलन गुलन हो गया ना, गुलन होगी ना, तीसरी पर्याय उसके अंदर हो रही है। फिर उनके पास ऐसी विद्या भी है, मतलब ऐसी वस्तु के पास है, वो जा करके तरल को पुनः ठोस कर बदल लेते हैं, ऐसा है कि नहीं, बहुत बढ़िया। इसी प्रकार से जैसे तेजाब में सोने चांदी के आभूषण धुलने पर वे पिघल करके उसमें मिल जाते हैं और बाद में अन्य धातु डाल करके उसको वापस कर लेते हैं, ये आपको समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। बहते दूध के अंदर से मक्खन निकाल लिया जाता है, ठोस वस्तु आती है, प्रकट की कि नहीं, अरे डेरी से घर में भी तो हो जाता है। आइए अब डेरी में आइए, सुनो सुनो, घड़ी घड़ी समझ में, विषय विषयांतर मत। अब पवन क्या हुआ, सुप्रणाम प्रतिक्षणम, सुप्रणाम प्रतिक्षणम, अपने परिणाम में प्रतिक्षण प्रमाण हो रहा है, विभारने से मिश्र रूप में, निश्चयने से अमिश्र रूप में। तीसरी पर्याय संयोग रूप ही होती है, असंयोग में तीसरी पर्याय का जन्म होता नहीं है। बोलिए, तीसरी पर्याय कार्य संसार में तुम भटक तो रहे हो, आपकी तीसरी, तुम बैठे तो मनुष्य के रूप में मुझे दिखाई दे रहे हो, तीसरी पर्याय तो है, हैं? जो कुछ तुम संसार में देख रहे हो, जो मनुष्य चाक्षुष तुमको दिख रहे हैं, जो जीव चाक्षुष दिख रहे हैं, जो सूक्ष्म जीव है, जो संसार जीव है, सब तृतीय पर्याय है। तो दो द्रव्यों की अब ये मालूम क्या कहना चाहता मैं सारस्वत जी, दो द्रव्यों का मेल, अरे दो द्रव्यों का मेल कौन सा द्रव्य ऐसा है जो पर्याय शून्य होता है, उसका नाम बताइए मुझे। आप तो मुझे आपके आगम में कहीं लिखा हो कि दो द्रव्य पर्याय शून्य होते हैं, वे मिल करके मनुष्य बना है, नहीं दोनों पर्याय मिलते हैं, द्रव्य कभी नहीं मिलता पर्याय, इसलिए जो भी मिला है एक दूसरे द्रव्य की पर्याय मिलती है, द्रव्य अपने आप में स्वतंत्र होता है, सगल संभावना में जनती। आप लोग मानिए, आप कुंद कुंद स्वामी को मात्र एक अध्यात्म का आचार मानते हो, हम कुंद कुंद स्वामी को अध्यात्म सिद्धांत न्याय व्याकरण के साथ साथ बहुत बड़ा वैज्ञानिक रासायनिक शास्त्री मानते हैं, और जो भी व्याख्यान होगा बिना रसायन के कोई व्याख्या हो नहीं सकती जगत में, सकल स्वाणु विजंती, इसके बल पर ही पूरा विज्ञान टिका हुआ है, सकल स्वाणु विजंती,
आपने दूध घोल दिया, मिश्री घोल दी, ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन अपने अपने प्रणाम स्वतंत्र है उसके अंदर। दूध अपना स्वाद स्वभाव छोड़ देगा तो दुग्ध का स्वाद नहीं आ पाएगा, मिठाई का ही स्वाद आएगा, और मीठा अपना स्वाद छोड़ देगा, समाप्त कर देगा, तो मिठास का स्वाद नहीं आएगा, दूध का ही आएगा। दोनों में एक दूसरे मिले होने पर भी अपना स्वाद दे रहे हैं बराबर। जो तुमको अच्छा लग रहा ना, वो मिश्र का स्वाद चख रहे हो और उसी में तुम मोटे हो रहे हो, ठीक है ना। और तीसरी पर्याय स्वाद ले रही जिब्बा तेरी, हम तो ज्ञात दृष्टा में देख रहे हैं। बस ये मिथ्या खड़ा हो गया नया वाला, इसको आप दूसरी दृष्टि से बोलिए। वैज्ञानिक ढंग से वापस हम शोभा में कैसे आ सकते, वैज्ञानिक ढंग से बताइए। अब रसायन में वैज्ञानिक तरीके पे आइए आप। चलिए, बंदित कव पान कमचा दुधिकादि गुणानंतु, ये सूत्र सामने रख के बात करना। दो गुण अधिक में बंद होता है, दो गुण अधिक में बंद होता है, ठीक है। ये मकान बना हुआ है, ठीक है, जिस भवन बैठे आप, इसमें सीमेंट बालू का प्रयोग है, ये मिश्र पर्याय है। समय व्यतीत हो जाने दो, ये स्निग्धता नष्ट होगी और धीरे धीरे आप कभी भी आना भैया मेहता जी, आपको पुकार, पुराने गिरे मकान में देख के आया हूँ, बे बालू अलग दिख रही है, सीमेंट अलग दिख रहा है, स्वतंत्र हो गए, ऐसे ही वर्ण अलग हो गया, सबके वर्ण अपने अपने, बालू बालू के वर्ण में दिख रहा है। ऐसे ही आप देखो कितनी सारी सामग्रियाँ। आप दूध की बूंद लेना जो बह रहा है, तो दूध की बूंद को एक पत्थर पर छोड़ देना ग्रीष्म काल में, ठीक है। शाम को देखना आप, दोपहर तक आपको दूध नहीं मिलेगा, पपड़ी मिलेगी, जो उसके अंदर जलीय तत्व था वो बाष्पित हो गया, जो ठोस तत्व था पपड़ी बन गई। देखा, आत्मा पृथक हो जाएगी तो फिर कर्म कर्म हो जाएंगे, जीव द्रव मातव से सिद्ध सलाह पर होगा। जो दूध निकल रहा ना वो मिश्र है, दूध है ना वो मिश्र है, पानी से युक्त है, बिना पानी के दूध निकल ही नहीं सकता। उसे तुमने गाढ़ा कर लिया, मावा बना लिया, रबड़ी बना लिया, मावा बना लिया, पाउडर बना लिया, दूध का पाउडर, पानी हट गया पाउडर बन गया। तो ये रसायन की क्रिया है। अभी हमारा संसार तो बढ़ते ही जा रहा है, अलग अलग तो नहीं हो रहा है। हाँ, आपका संसार बढ़ रहा है तो ऐसा हम क्यों कहें। यदि हम पुरुषार्थ करें, जो साधना आप कर रहे हो, इसे संसार घट रहा है। आप यहाँ ठंडी में मेरे साथ चल रहे हो, आप वेद विज्ञान में जा रहे हो, तत्व निर्णय की ओर जा रहे हो, ये विश्वास मानो संसार घट रहा है, घट रहा है। उसमें संस्कार पड़ रहे हैं घटने के, जब पूर्ण तापमान मिलेगा तो पृथक हो जाएगा। समझ में आ रहा ना, तो सब संसार घट रहा अपना। अब क्या चल रहा है, भेदाधड़ू अणु की उत्पत्ति भेद से होती है। तो हम प्रतिदिन नई नई साधना कर रहे हैं, माला पहन रहे हैं, जप कर रहे हैं, हाँ परिणाम भी इधर उधर ऊंचे नीचे हो रहे हैं ना, तो बंद भी हो रहा है। तुरंत तस्मिच्छा में दुक्कड़म प्राश्चित करो, प्रतिगण करो, हे प्रभु हे दुष्कर्म मिथ्या हो। एक क्षण भी मत छोड़ो प्रतिगण के बिना। प्रतिगण का पाठ करने सुबह शाम करोगे, इतने में तो पता नहीं कितना बंद कर लोगे। वहीं क्यों तत्मिच्छा में दुक्कड़म। अब क्या हो रहे, अब सुनिए, अब आपको समय सारे के पास चलना चाहिए। अभी इन्हें एक विषय छेड़ दिया, अब आप लोग तो विषय रख देते, फिर बोलना बताना पड़ेगा आपको। आप बोले मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूं। अरे ज्ञाता दृष्टा सुनिए,
निर्मोहता की ओर जाने के लिए सुनिए। मैं ज्ञाता था, ज्ञाता हूं, ज्ञाता ही रहूंगा। कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां आप जैनियों ने भेद तो नहीं किए, ये भेद सांख्य ने किए। आपकी कर्म इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय एक ही है, जो कर्म जो पौद्गले के स्पर्श इंद्रिय का हिस्सा है। इसलिए इंद्रिया ज्ञान रूप है, शब्द उपयोग भावेन्द्रिय, जो भावेन्द्रिय आपकी है। आइए बालक, कुछ जेब में रखे इलायची? चुप बैठो, सुनो सुनो। अरे देखो आप डिस्टर्ब कर रहे हो, या तो विषय छेड़ो मत और फिर सुनने की ताकत रखो। वही तुम्हारी व्याख्या कर रहा हूं आपको, तीसरी पर्याय। एक और तो आप कैमरा रखे हो, चलो इधर देखो। लगाओ ऐसे हाथ, जो करते हो मैं जो समझा रहा हूं उसे सुनो। निसंग सागर जी 170 देशों में नाम जाएगा। देखो ठीक कहा लोगों ने कि इतनी फीस लो कि गरीब लोग प्रवेश ही ना कर पाए, जिससे बेही लोग रहे कि जिनकी बुद्धि काम करती है, गुणवत्ता बना के रखना। तो कि आपको फ्री का ज्ञान मिल रहा है इसलिए तुम बातें कर रहे हो। बनारस के कॉलेज में कितनी फीस भरते थे? आइए अब मैंने ऐसे हाथ रखा, गुण रस में आप, पर इसमें मायाचारी नहीं करना चाहिए, छल कपट नहीं करना चाहिए। तुमने अध्यात्म के साथ छल किया है, कपट किया है, तुम ही कपटी हो, अध्यात्म कपटी नहीं है। श्रमहिसार जी में भुक्तत्व भाव का अभाव कराने के लिए ज्ञान के अधिकार में व्याख्या कर रहे हैं, सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार में बात कर रहे हैं कि हमने जाना होगा कहा, स्पर्श इंद्रिय स्पर्श किया, रिजु है, कोमल है, हम कोमल के ज्ञाता हैं। वैद्य नारीवत नारी की नारी वैद्यवत, स्त्री का हाथ पकड़े हुए, वासना से भर के पकड़ेगा तो ऐसे हाथ पकड़ने में उसको आनंद आना प्रारंभ हो जाता है, स्पर्श इंद्रिय का भोग प्रारंभ हो जाता है। वैद्य ने बात पित कब नारी को देखा है, मात्र ज्ञान कर रहा, भोग नहीं कर रहा। ऐसे ज्ञानी जीव ज्ञायक भाव से पांच इंद्रिय से ज्ञान लेता है, भोग नहीं करता। भोक्तत्व नहीं है, ज्ञायकत्व है। भोक्तत्व नहीं है, ज्ञायकत्व है। कारकांग नहीं है, ज्ञापकांग है। कारकांग नहीं है, ज्ञापकांग है। ज्ञापकांग में जाता है तो ज्ञायक में लीन होता है, जब ज्ञायक में लीन होता है तब जगत में ज्ञाता दृष्टा मेक हो, हम सुख दुख न छाप रहा। इति भावनाढ्यार्थम चार्थम।
समय सार से बोल रहा हूं। रचना पर मीठा रखा, मैं जान रहा हूं वस्तु मीठी है। खट्टा रखा, मैं जान रहा हूं वस्तु खट्टी है। कसाला रखा, मैं जान रहा हूं वस्तु कसाईली है। चरपरा रखा, जान रहा हूं चरपरी वस्तु है। जान रहा हूं, ध्यान दीजिए, आपको मेरी बातें ऐसी हवा में उड़ती दिख रही है। यदि आप ज्ञायक से देखोगे, बोले उधर पूर्ति के लिए भोजन तो करोगे, लेकिन ज्ञायक होकर करोगे तो आप भोक्तत्व भाव के बंधक नहीं होकर के एक ज्ञायक की ओर दृष्टिपात करोगे। क्षुधा की पूर्ति के लिए भोजन तो करते हुए भी राग को प्राप्त नहीं होंगे। अब भाई कहते हो विषय अलग है, हमको मुंह उनसे कोई लेन देन नहीं, पर को लेके आओ मत, तीसरी पर खड़ी मत करो यहाँ पर। अब पर को लेके आओ मत, कौन क्या कहते कौन क्या कहते, तुम जी नहीं पाओगे, कभी तत्व की व्याख्या नहीं कर पाएंगे। अब जो बेचारे ढोंगी पाखंडी लोग हैं, वे ऐसी बातें कर वो भोगों में तल्लीन है, उनका थोड़ी मोक्ष होने वाला है। मोक्ष तो उनके ही होगा, विधि यही है जो मैं बोल रहा हूं, लेकिन उसमें मायाचारी नहीं होना चाहिए। विधि यही है जो मैं कह रहा हूं। अब जितने श्रवण श्रवणीय है आपके, मैं श्रवण श्रवणीय शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, आर्या यति यतनिया जितने ही हैं, आत्मा शब्द सुनकर के यदि कुपित होते हैं तो मेरा इनसे प्रश्न है, तुम सब बने क्यों, किसकी क्या प्राप्त करना चाह रहे हो? जैसे ही मैंने आत्मा शब्द का प्रयोग किया, ज्ञायक शब्द का प्रयोग किया, अहेतुक का व्याख्यान किया, ऋतंबरा प्रज्ञा का व्याख्यान किया, देगम्बरी प्रज्ञा का व्याख्यान किया, तो आप लोग ये क्या सौंदड़ी है, ओ धिक्कार हो तुम्हारी बुद्धि को, एक सोनगढ़ के नाम पर तुमने पूरी विद्या सौंप दी उनको, वे भी भव्य जीव है, वे भी जीव द्रव्य है। मैं जब ईश्वरवादी से बात करता हूं तो आप लोगों से बात करता हूं, जब तुम्हारा ईश्वर विश्व को निर्माता है फिर तुम अमुक जाति में भेद क्यों कर रही हो, उसे बात इन्हें मार दो, उन्हें पीट दो, उन्हें ऐसा कर दो, उन्हें वैसा कर दो, क्यों? ईश्वर निर्मित है ना, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? ईश्वर को निर्णय करना था, इन्हें बनाया क्यों? ये निर्णय ईश्वर को करना था ना, कि जो तुम्हारी परंपरा को नहीं मानने वाले लोग हैं, सब सृष्टि पर उनकी रचना की क्यों आपने? और आप ऐसा को अपने कर्म से बने हुए तो फिर तुम्हारा क्या स्थान? यदि आप ऐसा कहो ये पुण्य पाप दिखाना था इसलिए बनाए हैं, तो तुम परेशान हुए क्यों? सम दृष्टि बना के रखते ना। वही आप, मैं जैनियों से कह रहा हूं कि आप लोग अपने मुनि संघ को तुम भगवान के रूप में देखते हो, तो आपके आगम में तो लिखा सभी जीव भगवान आत्मा है। फिर ये सौंदर्य देवगढ़ी दिगंबर श्वेतांबर स्थानक मंदिर मार्गी तारण तरण समैया, ये तुम भेद करके क्यों विकल्प कर रहे हो? निर्विकल्प में जाना है तो ये भेद ठेकेदारों को सौंप दीजिए। अपनी आत्मा कल्याण करना चाहते हो तो फिर आइए, तो फिर आइए। बबूले उठते हैं मिटते हैं, पानी न उठता न मिटता है, पानी अपनी धारा में बह रहा है। ये पंतों के बबूले हैं, कसाईयों के काम हैं, पंथों के बबूले हैं, कसाईयों के काम हैं। पानी की शीतलता को देखो, बबूलों को क्यों देख रहे हो? ये तो मिट जाएंगे। ठीक है, मर्यादा नहीं स्वभाव,
अपनी कसाई की पुष्टि के लिए मर्यादा बना के बैठे हो आप, तो मर्यादा वाले संघ को मैं जानता हूं। तो कसाई की पुष्टि बोली मर्यादा, मर्यादा मर्यादा जो है आगम की मर्यादा में आई है, आप कसाई की मर्यादा में आई, आपको अपना पोषण मर्यादा नहीं है, आगम की मर्यादा में रही है। देखो बालक, ना समझ को तुम सारे समझा सकते हो, समझदार को मर्यादा मत समझाइए, वस्तु स्वास समझाइए। जब मैं था ना समझ, तुम्हारी सारी मर्यादाएं मानता था, जब मैं हो गया समझदार तो मैं आगम की मर्यादा मानता, तुम्हारी मर्यादा नहीं मानता। तुम्हारी मर्यादा में मायाचारी है, तुम कमरे में छुप करके करोड़ों की बात करना जानते हो और बाहर मौन बन के बैठना जानते हो। ये मर्यादा हमको फीकी लगती है, अपेत केतवा होना चाहिए। यदि तुम मोबाइल चलाते हो खुलेआम चलाओ तो लोगों को मालूम चला कि कौआ है, ठगे तो नहीं जाएंगे हम जैसे लोग। कमरे में तुम मोबाइल चला और बाहर में तुम जो ना बिल्कुल कोयल बन के बैठो, नहीं, कोयल इतनी चतुर होती है अपने अंडों को कौआ से पालन करवाती है। तो विषय समझिए, आप बुरा नहीं मानना, आप लोग बुरा मानना इसलिए तो कह रहा हूं। तो विषय यह है ना कि भोला अपेत केतवा, आपको जा रहे द्रव्यत्व में, अभी थोड़े के लिए विश्राम कर दो इन विषयों पर। पांच इंद्रियां ज्ञायक, ज्ञायक तब जीव देखता है, गुण विद्या है, गुण विद्या है, इससे लोग विचार फैला देंगे, इसलिए हर व्यक्ति को नहीं समझाई जाती गुण विद्या, इसलिए कुछ गुण कह रहे हैं। आइए गुण तक अंदर जाके झांको, मैं जानन आ रहा हूँ, जान ही तो रहा हूँ, खड़ा रहा बेटा, देखा मत कर डिस्टर्ब बेटा, खड़ा रहा, जानन आ रहा हूँ। इतने सूक्ष्म में आप जाएंगे, स्थूल दिखना बंद हो जाए, सूक्ष्म में दिखेगा कि तुम जानन आ रहे। पांच इंद्रियों से हम जानते हैं, जानो 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 जानो। बस जानते हैं द्रव्य सुपर्या प्रतिक्षणम, अनादि निधन द्रव में सुपर्याय का परमन चल रहा प्रतिक्षणम, उन्मज्जयंती निमज्जयंती जल कलोल बद जलई, जैसे जल में कल्लोलें उत्पन्न हो रही हैं और विलीन हो रही हैं, पर जल को देखो, नष्ट को देखोगे तो हर्ष विषाद होगा, अनिष्ट को अविनाशी को देखोगे तो हर्ष ना विषाद। इसकी ताकत चाहिए, तीसरी पर्यायों को देखो तुम दुख में जिलीन रहोगे, तीसरी पर्याय को पर्याय के रूप में देखते रहिए, परंतु द्रव्यत्व को देखिए सग स्वभाव न बिझंती। मूल स्वरूप को देखोगे दो भिन्न द्रव्य को देखिए आप। इसलिए रितेश ने कहा, ये इतने महाराज चले गए, इतने संग बन गए, आपको कैसा लगा? ईमानदारी बताओ, हृदय की बिल्कुल सत्य, ध्रुव सत्य, जैसे जैसे संजय सागर देवरी में रह गए, ठीक है, सबके भाव ऊपर नीचे, हम कहाँ पहुंचे? सुनो, अरे आए ही तो थे,
थे कब मेरे पास, आई तो थे कब, सत असत असत सत। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा मूल मंत्र मिला है, बोला इसके बल पर मैं प्रसन्न रहता हूँ, 24 घंटे में प्रसन्न किसी इस सिद्धांत पर रहता हूँ। एक क्षण को देखा विषमता सामने दिख रही है, मैं दूसरे दिन आपको मुस्कुराते दिखते, ये बहुत बड़ा बहुत मूल मंत्र मेरे प्रसन्न रहने का। अच्छा सी आपको ऐसा नहीं लगता कि हम लोग कारण आके से जो समस्या है हमारा, ठीक है। अब पहले मैं आपको बोला समझाऊंगा आपको, तो बोला ऐसा मत करो, बोला कह रहा नहीं मुझे घर जाना है, ठीक है। तो आपने मेरा चेहरा देखा होगा क्यों जा रहा है, फिर दूसरे समय आपने प्रसन्न देखा होगा, ठीक है। बोला कि मैं कभी नहीं आऊंगा, ठीक है आ जाऊंगा, बोले ठीक है। बोले क्यों ऐसा क्यों, इसमें आप राग और द्वेष ये मत लेके आओ, बासल भी लेके मत आओ। अभी इन विषयों में मत जाओ, आपको विश्वास होना चाहिए एक के जाने वाले का मुख मूड पकड़ के रोने वाले मिले हैं, आप विषय पकड़ो आओ, तो विषय 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 व्यवहार तो अनेकांत की बात मैं कह रहा हूँ ना, सत असत असत सत सतासत। हम अपने को ही नहीं बचा पाए तो मैं क्या बचा पाएंगे, बोलो कुछ। हम अपने को ही नहीं बचा पाए तो मैं क्या बचा पाएंगे। इधर जब हाथ जाता ना ऐसे घने घने बाल यहाँ तक लटकते थे, जब मैं पढ़ने जाता था 50 बार तो दर्पण देखता था स्कूल जाते जाते, ठीक है। तो जब जब यहाँ पर के बाल नहीं हम बचा पाए, यहाँ के बाल नहीं बचा पाए, तो जगत की बाल बालनाओं को कौन बचाएगा। इसलिए धर्मा धर्म नवा काला, सूक्ष्म में जाएंगे जैसे जैसे सूक्ष्म में जाएंगे जानना जानना रह जाएगा, निश्चय रह जाएगा पहले, तो व्यवहार वो निश्चय का थोड़ा सा तो लास्ट में जानना जानना ही रह जाएगा बस। जिसमें जाना जा रहा है वही व्यवहार है, जिसमें जाना जा रहा है वही व्यवहार है। कैसा, मैं मनुष्य बन के जान रहा हूँ ना, ये व्यवहार है मिश्र है, इसलिए इसको गौण कर रहा हूँ, अभाव नहीं कर रहा हूँ। अच्छा व्यापार को गौण कर रहे हैं, व्यापार गौण कर रहे हैं, अभाव नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। बस इस बात का ध्यान रखना, हम गिलास में दूध देखते हैं क्योंकि हमारे लिए वही उपाधि है, पर गिलास का अभाव नहीं कर रहा हूँ, गौण कर रहा हूँ, ठीक है। धर्माधर्म ना कला अर्थ प्रयाग गोचरा, भाई पढ़ो धर्म द्वावण्य संबंधो संबंधो द्वावण जी पुतगल धर्म अधर्म नव आकाश, इनमें अर्थ पर्याय देखी जाती है, ठीक है। इन शुद्ध द्रव्यों में व्यंजन पर्याय नहीं होती, व्यंजनेन्द्र संबंधो द्वावन्नो जीव पुद्गलो, दोनों श्लोक याद करना, ये दोनों श्लोक ज्ञानाडव ग्रंथ के हैं। व्यंजन संबंध द्वावन्नो जीव पुद्गलो, व्यंजन पर्याय जीव और पुद्गल में ही पाई जाती है। 85 का ग्रंथ को कंटेस्ट करना चाहिए सभी नृगंत मुनिराजों को, पंचासी का ग्रंथ कंटेस्ट करना चाहिए सभी वीतरागी श्रमणों को, क्योंकि जैन तत्व का गंभीर व्याख्यान 85 का ग्रंथ में है। उत्पत्ति विनाशो देवस्त्र नत्थी अति सब भावो, उत्पत्ति विनाशो नत्थी, उत्पत्ति न च विनाशो देवस्त्र नत्थी अति सब भावो,
सद्भाव में न उत्पत्ति है न विनाश है, सद्भाव में न उत्पत्ति है न विनाश है, उत्पत्ति विनाश पर्याय में है, द्रव्य तो जो है सो है। जो है सो है, जो सो दू सो चाहिए, यह मूल वस्तु। प्राकृत में कुंदकुन स्वामी ने समय सारणी में छठवीं गाथा में लिखा जो सो दू सो चाहिए। अब लोगों ने विशुद्ध सार के नाम पे क्या कर दिया, पेटेंट कि जो है सो है। कोई बोले बोले क्यों तुम विशुद्ध सार के हो क्या, ठीक है ना, जबकि विशुद्ध सार का नहीं है। कुंदकुंद स्वामी ने लिखा, कुंदकुंद का भी नहीं है वो तो वस्तु को, स्वभाव ही जो है सो है, ठीक है। अब कोई साधु के मुख से निकल भी पड़े ना जो है सो है तो तुरंत लोग बोलते तुम विशुद्ध सार से प्रभावित हो रहे क्या, बिल्कुल मुख पे शब्द रखा हुआ है कि ये शब्द यहाँ बोलना ही चाहिए, तब भी बेचारे घबरा के बोल नहीं पा रहे कुछ लोग। तो बोले भैया कह दूंगा जो है सो है, तो लोग कहेंगे लो जिनका तुम निषेध करते हो उनकी तुम विधि कर रहे हो। अब बेचारे भाषा वाले हैं जैसा सो वैसा, अरे जो है सो है वही तो है जैसा कि है वैसा। नमोस्तु शासन जय बंतु।